हेलो दोस्तों, आज आपका नई वीडियो के साथ हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हमने ये टाइल्स फिटिंग के क्या रेट लिए और हमने इसको किस तरीके से फिटिंग करे, और ये टाइल्स कौन सी है दोस्तों, कौन से साइज की दोस्ती, हमने इसमें एडजस्ट कौन सा लगाए और स्पेसर कौन सा डाले है, इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, देख सकते हैं आप, हमने आधी रेती और आदि करेक्शन यूज करे, जिसको ढस भी बोलते हैं लोग, और जिस जो काले पत्थर का जो चूरा आता है दोस्तों, वो हमने रेती के अंदर मिक्स करे है। ये रेती है दोस्तों कनान रेती, जिसको बोलते हैं, हमने इसके अंदर आधे को आधा मिक्स करे है। और ये देख सकते हैं दोस्तों, अब हमने पहले जरी के लिए, इस कटिंग हमारी अंदर से है तो हमने इसमें जरी फोड़े है, पूरी पूरी जरी फोड़ के कम्प्लीट करे है दोस्तों। और हमने इस तरीके से इसके ठी लिए है दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों आप, हमने इस तरीके से इसके ठीए लिए, वीडियो में देख सकते हैं आप, हैंड लेवल में हमने इसको परफेक्ट लेवल में ठीए लिए, देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमने इसके ठीए लिए लेवल में परफेक्ट दोनों तरफ से। और दोस्तों, हम आपको आगे बताएंगे कि हमने टाइल्स क्या स्केल फिट से लिए, ये भी हम आपको बताएंगे, हमने इसमें स्पेसर कितने एमएम का डाले, ये भी बताएंगे दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसको गिन लिए जो माप का आ रहा था, और लाइन पकड़ के जो ठीए लिए दोस्तों, ये भी हमने इस तरीके से ठीए लिए, देख सकते हैं उधर एक टाइल का टुकड़ा है दोस्तों, और एक टाइल का टुकड़ा इधर है टाइल्स के ऊपर लाइन पकड़ के, और टाइल से हमने इसके ठीए लिए। इसमें दोस्तों माचन बरोबर आता है, एकदम परफेक्ट आता है दोस्तों, फिटिंग में ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। वैसे तो हम ज्यादा करके ठीए वैसे लेते हैं बिना टाइल्स के, वो भी आते हैं दोस्तों सही। इस तरीके से ठीए लिए दोस्तों परफेक्ट, और इसका जो माचन बोलते हैं, जिसको फ्लोर बोलते हैं दोस्तों, हमने एकदम परफेक्ट करे, फिर इसकी फिटिंग करे। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसकी किस तरीके से फिटिंग करे है। और आपको हम आगे बताते हैं कि हमने इस तरीके से इसकी फिटिंग करी है, और क्या रेट से हमने ये काम लिया है दोस्तों, ये भी हम आपको बताते हैं। ये 5 mm का इसके अंदर दोस्तों स्पेसर लगाए हैं, और एडजस्ट लगाए हैं 2 mm का, हमने 3 mm का बुलाए थे दोस्तों, 3 mm का था नहीं तो हमने 2 mm का बुलाए, एडजस्ट उसमें इसकी फिटिंग करे, देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से हमने इसके माचन करे है, जिसको फ्लोर बोलते हैं, देख सकते हैं आप दोस्तों, इस तरीके से हमने इसका फ्लोर करके इसकी गुनिया भरे है दो तरफ। ये हमने खड़ी लगाए दोस्तों दरवाजे के पास से, देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमने इसकी फिटिंग करे है। आगे ये देख सकते हैं दोस्तों, पहला नग लगा रहे हैं हम दरवाजे के पास का, एंट्री का। इस तरीके से हमने इसको पानी डाले हैं, इस तरीके से हमने इसमें खांचे मारे हैं, और हमने इसमें पानी भरपूर यूज करे है दोस्तों, पानी की कमी नहीं करे है। ये फिटिंग हमारी एडजस्ट में थी दोस्तों, और इसमें हमने 5 mm के स्पेसर डाले हैं, ग्रुप बनाए हैं, देख सकते हैं दोस्तों, खांचे मारे बाद में भी हमने इसमें पानी भरपूर डाले है, और इसको एकदम टाइट फिटिंग करे है। और चलो दोस्तों, हम आपको बताते हैं आगे इस फिटिंग के साथ कि हमने क्या रेट से काम लिए। ये दोस्तों हमने 25 रुपये इसके फिट से काम लिए है दोस्तों, देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमने फिटिंग करे है। आगे हम आपको बताते हैं एडजस्ट इस तरीके से लगाए, पूरा बताते हैं दोस्तों आपको। हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों हमने इस तरीके से इसकी फिटिंग करे है। ये हमारा पहला नग था, तो आपको भी इस तरीके से पहले नग को फिटिंग करना है, इसमें स्पेसर नहीं देना है, अभी आगे स्पेसर देना है दोस्तों, आप समझ गए होंगे दोस्तों। जो नए कारीगर है दोस्तों, हम उनके लिए वीडियो बनाते हैं दोस्तों, और उनको थोड़ा बहुत हमारे वीडियो के थ्रू समझाते हैं।
सकते हैं दोस्तों, हमारे इस तरीके से हमने इसकी फिटिंग करी, इसको बैठ के हमने टाइट ठोके हैं, देख सकते हैं इस तरीके से पूरा प्रेस करे हमने इसको माचन पे दोस्तों, जिस पे फ्लोर फ्लोर हमने जो फ्लोर फ्लोर करे थे उसको हमने एकदम प्रेशर से ठोके दोस्तों, एकदम प्रेस करे माचन पे, देख सकते हैं दोस्तों 5 mm का हमने इसके अंदर स्पेसर दी है, देख सकते हैं दोस्तों हमने इसके अंदर एडजस्ट लगाए दोस्तों, जो हमारा जो हमने अभी एडजस्ट लगाए हैं वो एडजस्ट हमारा 2 mm का था दोस्तों, जो एडजस्ट लगाए हमने, और स्पेसर लगाए है 5 mm का, देख सकते हैं दोस्तों आप। अभी हम आपको बताएंगे उसका जो पैकेट है दोस्तों, बताएंगे कि हमने इसमें इस तरीके से लगाए हैं। फिटिंग दोस्तों हमने इस तरीके से करे है, देख सकते हैं दोस्तों हम इसका इसकी जो नातर है दोस्तों चेक कर रहे हैं, इस तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों हमने इस तरीके से इसको चेक करके लगाया हर टाइल को, इसमें जरा सी भी उठी नहीं है दोस्तों, एकदम प्रेस करे दोस्तों इसको हमने टाइल्स को, देख सकते हैं दोस्तों आप, ये 5 mm का स्पेसर है दोस्तों, देख सकते हैं पैकेट पे 5 mm, और ये एडजस्ट है दोस्तों 2 mm, तरीके से हमने इसकी फिटिंग करे दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों कैसा मिला रहे हैं इसको, हमारा मिस्त्री इसको किस तरीके से मिला रहे हैं, तो बैठ के टाइल को ठोक रहे हैं दोस्तों एकदम प्रेशर से, एकदम टाइट फिटिंग आती है दोस्तों, एकदम प्रेस होती है टाइल्स, देख सकते हैं दोस्तों आप इसको इस तरीके से हमने इसको प्रेस करे हथौड़े से ठोक के, देख सकते हैं दोस्तों हमने खांचे किस तरीके से मारे हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है टाइल्स की खाली जिसमें हमने अभी इसमें खांचे नहीं मारे हैं कोचे से, और इसमें भरपूर पानी डाल के इस तरीके से इसको काट के हमारा पानी ऊपर ना आए जेंड में, ये एग्जस्ट लगा के दोस्तों हमने इसकी फिटिंग करे है, देख सकते हैं आप इस तरीके से हमने एक टाइल में 6 एग्जस्ट लगाए हैं दोस्तों, एकदम टाइट फिटिंग, वैसे हम एक टाइल में 4 ही लगाते हैं, इसमें 6 लगाए दोस्तों एक टाइल में, देख सकते हैं दोस्तों आप। ये दोस्तों हमने फिटिंग ऐसी करे, दो कारागिर थे दोस्तों, एक आदमी था, हम सिर्फ पानी डाल के दे रहे थे दोस्तों, सीमेंट में खांचे मार के दे रहे थे, पानी डाल के दे रहे थे, और दूसरा कारागिर उसको एकदम प्रेशर से ठोक के उसको मिला रहा है था दोस्तों, इस तरीके से हमने इसकी फिटिंग करे दो कारागिर ने, पूरी फिटिंग हमने इस तरीके से करे दोस्तों, देख सकते हैं आप इस तरीके से चेक करके उसको हमने पूरा लगाया दोस्तों, और बाद में पूरी फिटिंग हुई बाद में आखिरी पे तो भी हमने इसको चेक करे, देख सकते हैं आप दोस्तों पूरी हमारी जब फिटिंग हो गई थी शाम में जाते टाइम हमने इसको पूरा चेक करे कहा ओटी है, देख सकते हैं आप हमारी फिटिंग पूरी फाइनल हो चुकी है हॉल की, हमने इसको पूरा चेक करके परफेक्ट मिला के जब हमने काम बंद करे दोस्तों।